दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हथौड़ी का दस्ता किस प्रकार से लगाया जाता है। दोस्तों, जो हथौड़ी का दस्ता सही लगाने का तरीका है वो आप इस वीडियो में देखोगे। दोस्तों, आप देख सकते हो बैक साइड में भी बिल्कुल कहीं पर गैप नहीं नज़र आएगा और फ्रंट में भी कहीं गैप नज़र नहीं आएगा। और दोस्तों, जो हमारी 200 ग्राम की हथौड़ी होती है उसमें जो हमारे हत्थे की बैक साइड है वो 1.5 इंची बाई 1.5 इंची रखोगे तो अपने हाथ में सही तरीके से आएगा। अगर 150 ग्राम की थोड़ी है तो आप 1.25 इंची बाई 1.25 इंची बैक साइड में रख सकते हो। और दोस्तों, जो हमारा हत्था है वो इस प्रकार से बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आप देख सकते हो दोस्तों, इस सभी साइड से बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो और दोस्तों, जो हमारी हथौड़ी का अगला भाग है वो भी बिल्कुल गुणिये में होना चाहिए। आप इस साइड से भी आप देख सकते हो, ये हमारा जो हथौड़ी है वो बिल्कुल गुणिये में होनी चाहिए और बिल्कुल हत्था है जो वो इस प्रकार से बिल्कुल सीधा होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप जब भी हथौड़ी का दस्ता लगाओ तो उसके लिए आप शीशम की लकड़ी अच्छी क्वालिटी में यूज करो। आप चाँप की लकड़ी या सागवान की लकड़ी का उपयोग मत करो, क्योंकि उसमें हथौड़ी अपनी बहुत ही जल्दी लूज हो जाती है और बाद में उसका हत्था है जो वो हिलने लगता है। दोस्तों, ये हमारी शीशम की लकड़ी है, आप देख सकते हो दोस्तों ये कितनी अच्छी क्वालिटी में है। दोस्तों, जो हमारी शीशम अच्छी तरह से पक कर तैयार हो जाती है उसकी जो साइड होती है वो इस प्रकार से बिल्कुल कच्ची रहेगी और जो इसका पका हुआ भाग है वो इस प्रकार से पूरी तरह से कालापन दिखाएगा और जो इसके बीच में रेशे होते हैं दोस्तों, अभी हमारे द्वारा 1.5 बाई 1.5 का थोड़ी गत्था निकाल लिया गया है। दोस्तों, इसको आप सामने वाली साइड से बिल्कुल जो अपनी हथौड़ी है सेंटर में इस आनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी जो साइडें हैं उनको दोनों साइड से मार्क कर लेंगे, जो हमारी जिससे कि हमारी जो हथौड़ी है वो सेंटर में आएगी। दोस्तों, ये देखो, इसको पहले मशीन द्वारा इसकी आगे से टेप पर रंदाई की गई है। जब भी आप थोड़ी दस्ता डालो आप इसकी धार बिल्कुल सीधी रखो। आप देख सकते हो इस बिल्कुल धार सीधी है। और दोस्तों, आगे से भी रंदे से पूरी पूरी फिटिंग कर लो इस प्रकार से। दोस्तों, हम इसको अब ठोक कर दिखाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो इसके साइड में बिल्कुल भी कहीं गैप नहीं नज़र आ रहा। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से सही तरीके से थोड़ी ठोकोगे, इसके हैंडल लगाओगे, तो आपको इसमें कुछ भी फानी देने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, ना इसके वासर लगाने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप जब इसको थोड़ी को ठोकते हो तो आप उसी टाइम में अगर इसमें अरला टाइट लगाओ तो वही सबसे बेस्ट तरीका है। और दोस्तों, आपको दिखाते हैं
जो इसका हैंडल लगाया जाता है वो बिल्कुल गूनिए में रहना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो आप लो वाला आरी वाला ब्लेड भी कर सकते हो। लकड़ी वाली आरिया यहाँ पर यूज नहीं करनी चाहिए। ये देखो दोस्तों, ये हमारा जो हत्था है वो इस प्रकार से बिल्कुल गूनी मारना चाहिए तो और बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ये हमारी हथौड़ी बिल्कुल गूनिए में आनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।